खेल उन्होंने 10 साल से खेला है और जो खिलवाड़ दिल्ली के लोगों के साथ हुआ है वो अभी भी चल रहा है। तो एक तरफ से कह रही सारा काम हो रहा है, दूसरी तरफ कह रही काम हो नहीं रहा है, और अगर काम खराब हो रहा है तो यूपी की वजह से हो रहा है, हरियाणा की वजह से होगा, पंजाब को तो ब्लेम कर नहीं सकती। भाई दिल्ली वासियों को क्या नाटक मंडली मिल गई है, ये शीश महल के सुल्तान साहब अपने घर में करोड़ों रुपए के काम तो करा सकते हैं, ये भाई साहब जो हैं ऐसे मजबूर मजलूम बन जाते हैं, ऐसे विक्टिम, ऐसे असहाय, ओहो, लोगों की जिंदगियों पर आ गई है, जीना मुहाल हो गया है, दम घोटू हवा है, ये कहें? ठंडाती ही मानो दिल्ली की हवा चौक कर जाती है, चारों ओर सिर्फ धुंध छाया रहता है, हवा जहरीली हो जाती है जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दिल्ली में प्रदूषण की मार यमुना नदी भी खूब झेलती है। गर्मियों में तो यमुना का जल प्रदूषण छिप जाता है, मगर वातावरण में तापमान कम होते ही यह पानी के सतह पर जहरीली झाग के रूप में दिखने लगता है। ठंड के साथ ही हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के प्रदूषण पर नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शीश महल का सुल्तान बताया है। मैं इंतजार कर रही थी कि अब आतिशी जी और उनकी टीम किसको ब्लेम करेंगे। इस पूरे जो कला है, जो महारत इनकी है कि अपना काम तो करो नहीं, औरों को ब्लेम करते रहो। जो खेल उन्होंने 10 साल से खेला है और जो खिलवाड़ दिल्ली के लोगों के साथ हुआ है वो अभी भी चल रहा है। अब किसकी गलती है? अब यूपी की गलती है। जब बाढ़ की वजह से इतने स्टूडेंट्स मरे थे, किसकी गलती थी उसमें? तो ब्यूरोक्रेट्स की गलती थी, नौकरशाह की गलती थी, एलजी साहब की गलती थी। उससे पहले आपको याद होगा जल संकट था, जल संकट में किसकी गलती थी? उसमें भी और प्रदेशों की गलती थी, क्योंकि हरियाणा पानी उनको नहीं दे रहा था। अब जब हम देख रहे हैं हालात इतने खराब हो रहे हैं, अच्छा एक तरफ तो कह रही है कि सारा काम हो रहा है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है, काम कहाँ दिख रहा है? तो एक तरफ तो कह रही है सारा काम हो रहा है, दूसरी तरफ कह रही है काम हो नहीं रहा है, और अगर काम खराब हो रहा है तो यूपी की वजह से हो रहा है, हरियाणा की वजह से होगा, पंजाब को तो ब्लेम कर नहीं सकती क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। तो सालों साल अब दिल्ली वासियों ने देखा है इस लोगों को, जो लगातार आप इनका एक एक बयान उठा लीजिए, हर एक संकट पर, हर एक क्राइसिस पर, हर एक ऐसे सूरत हाल पर जब लोग परेशान हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। भाई दिल्ली वासियों को क्या नाटक मंडली मिल गई है, ये शीश महल के सुल्तान साहब अपने घर में करोड़ों रुपए के काम तो करा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है दिल्ली की और बहुत ही संगीन इल्जामों की जिसको हम देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जल निगम हो और उसमें घोटाला हो, या फिर बाढ़ के चलते बच्चों की मौतें हो, ये भाई साहब जो हैं ऐसे मजबूर मजलूम बन जाते हैं, ऐसे विक्टिम, ऐसे असहाय, ओहो, पूरी दुनिया उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो नजीब जंग जो पहले आए हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर अनिल बैजल जी जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल थे, या फिर अभी जो प्रेजेंट एलजी हैं, सारे के सारे नौकरशाह उनके खिलाफ हैं, सब खिलाफ हैं उनके। वो सिर्फ अकेले काम करे जा रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने अपने को एक मदर इंडिया टाइप का बना दिया है कि वो सब लोग उनके जान के दुश्मन हैं, सब विलेन हैं, और वो ऐसे हीरो हैं जो बेचारे हीरो भी नहीं बन पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतने झूठ, इतने फरेब ना बोले, लोग कितना सुनेंगे, कितने उनकी बहानबाजी लोग बर्दाश्त करेंगे। एक बहाना, दो बहाना, इस पर दोष मढ़ना, उस पर दोष मढ़ना, पूरी दुनिया गलत है, ये सही है, सबकी सब बिल्कुल नाकारे हैं, सबकी सब बल्कि विलेन है, ये एक संत बन के घूम रहे हैं बेचारे, और अपनी लुटिया साथ लेकर, धोती बांधकर, और सब लोग उन पर पत्थर मान रहे हैं, ये कौन यकीन करेगा? भाई सवाल ये है, खुद गोपाल राय क्या करते रहे हैं, क्यों बैठे हैं उस पद पर, क्यों मंत्री बने हुए पर्यावरण के, जो पर्यावरण का उन्होंने बुरा हाल कर रखा है। दिल्ली की आबो हवा आप देखिए, आप देखिए लोग कैसे खांस रहे हैं, कैसे बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, कैसे कंजेशन के चलते लोग इतने ज्यादा परेशान हाल हैं। आप देखिए लगातार जो संकट बढ़ता जा रहा है, आप यमुना प्रदूषण देखिए, जो सेस मिलता है, जो कर मिलता है, वो 1000 करोड़ के बराबर है, वो कहां गया वो पैसा, उसका जवाब दें, जवाब दें। और क्या हुआ स्मॉग टावर्स का,
चल रहे हैं वो, जो 40-40 करोड़ रुपए में खर्च करे थे उनका क्या हुआ? अब तक जो है मंत्री पद में बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या किया? दुनिया भर से आप सवाल पूछ रहे हैं, खुद आपकी जब बारी आ रही है जवाब देने की, और हर बार ये बारी आती है आपकी जवाब देने की, क्योंकि हर बार ऐसा होता है आपके पास कोई जवाब नहीं होता, आप दुनिया भर इधर उधर देखते हैं। आप बताइए आपने क्या किया? इतने दिनों तक आप मंत्री पद पे क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? क्यों नहीं भगवंत मान ने इस्तीफा दिया? क्यों नहीं वहां के पर्यावरण मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्यों नहीं वहां के पर्यावरण सेक्रेटरी और पॉल्यूशन बोर्ड, जिसमें सारी वैकेंसीज हैं, उन सबको लेकर उन्होंने वहां पे जो बाकी लोग बचे हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? क्यों नहीं कहा वो पूरी तरह से असहाय हैं? क्यों नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और कहा कि हम लोग से कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग नाकारा हैं, हम लोग झूठ मूठ पद पर बैठे हैं, हम लोग इतने पैसे गबन कर रहे हैं, प्लीज मदद कीजिए, लोगों की जिंदगियों पर आ गई है, जीना मुहाल हो गया है, दम घोटू हवा है, ये कहें?